नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन के बाद विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक को बढ़ी हुई बिजली दरें कम करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा व कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि भाजपा के शासन में बिजली कंपनी आम जनता के साथ लूट करने का एक साधन बन गई है। आम उपभोक्ता को अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम से धांधली की जा रही है। कमलनाथ सरकार ने जनता को राहत देने की योजना शुरू की थी तथा गरीब परिवारों को माह में 100 रुपये का बिल दिया जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा उन राहत योजनाओं को बंद कर जनता को अधिक राशि के बिल दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला कार्यालय पर और ब्लॉक कार्यालय पर बिजली के बढ़ते हुए दरों के लेके आज विरोध प्रकट किया गया है। हम देखते हैं और आप भी देख रहे हैं कि गरीब बस्ती में रहने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का बिजली का बिल 2000, 5000, 10000 यहाँ तक के 18-18 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। ये गरीब लोग भर नहीं सकते। कोरोना काल में लोगों की नौकरियाँ चली गई, काम नहीं, धंधा नहीं, किसी भी तरह की कोई आवक नहीं, लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई की मार और बिजली के बिलों की मार आम जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि कोरोना काल में जो बिजली के बिल भेजे गए हैं उनको माफ़ किया जाए और जो कमलनाथ जी सरकार ने जो फैसला लिया था कि 100 रुपये का बिल लिया जाएगा और लिया भी 18 महीने तक, वही प्रक्रिया पुनः चालू की जाए। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में खड़ी हुई है जिन लोगों के 20-20 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। हम फिर एक बार आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोरोना काल के उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में बढ़े हुए बिजली के बिल जो 2000 से लेके 20 हज़ार तक आ रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन था। लॉकडाउन था और कोरोना काल था, लोगों के काम धंधे बंद थे, इतने बड़े बड़े बिल लोग कैसे देंगे बगैर कमाई के। और दूसरी तरफ जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपये 100 यूनिट ये बिजली का बिल आता था और आज हज़ारों के बिल आ रहे हैं। इसके खिलाफ प्रदर्शन था आज यहाँ जिला कांग्रेस के द्वारा हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके बाद ब्लॉक लेवल पर होगा और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी हुई है। ये सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जो कमलनाथ जी सरकार थी 100 रुपये 100 यूनिट आता था, चाहे वो महल वाला हो चाहे झुग्गी वाला हो। और यही मुख्यमंत्री शिवराज जी उसके पहले जब बड़े बिल आते थे तो ये कहते थे बस्तियों में जाके कि बिजली के बिल का पेमेंट मत करना, मैं हूँ। तो हम कह रहे हैं कि बिजली के बिल का पेमेंट आम जनता से कि मत करना, कोई भी बात आए तो कांग्रेस के लोगों को बुलाओ, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। और बिजली के बिल के मामले में विधानसभा में भी हमने ध्यानाकर्षण और क्वेश्चन लगाए, सरकार से पूरी ताकत के साथ गरीबों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। ये मैं समझता हूँ कि जब ये अनाज देना था लोगों को, जब लॉकडाउन था, काम धंधे बंद थे, तब तो दिया नहीं, मेरी दिया ना। और अब जब लोगों ने थोड़ा बड़ा शुरू हो गया है तो फर्जी तरीके से ये उत्सव कर रहे हैं और अन्य के पैकेट बांटने की बात कर रहे हैं, ये इनका तरीका गलत है। अभी लोगों की जान गई है कोरोना से, फिर जान गई बाढ़ से, फिर गई वो जहरीली शराब से, कहीं कुएं में धंस गए। तो ये सब चीज़ें आज मध्य प्रदेश के अंदर हैं, इस समय कोई उत्सव ना मनाएं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।